दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल घुमक्कड़ यात्री पर। आज हम पालघर में स्थित स्वामी परमहंस जी के आश्रम जा रहे हैं दर्शन करने, और आपको भी लेके चल रहे हैं, तो आप भी दर्शन का लाभ उठाएं। पालघर स्टेशन से हम टमटम की सवारी लेते वडराई गांव आए हैं। वडराई, इसके आगे टमटम जाती नहीं है। अगर आप खुद की प्राइवेट रिक्शा या ऑटो करते हैं तो आपको छोड़ देंगे वहाँ पे आश्रम पे, बट हम शेयरिंग पे आए हैं तो 20 रुपया लगा है यहाँ पे आने के बाद। फिर यहाँ से हमें लगभग 5 से 10 मिनट चल के जाना होगा आश्रम। आश्रम की तरफ पैदल जाते हुए रास्ते में महाकाली मंदिर मिला वडराई गांव में। श्री महाकाली मंदिर काफ़ी हरा भरा क्षेत्र है और बहुत ही शांति है यहाँ पे। यहाँ गांव के मुर्गे मुर्गियाँ बस एकदम गांव में आ गए। यहाँ पे आएंगे अगर आप तो आपको एकदम अपने गांव की याद आ जाएगी। ये देखिए वट का झाड़, ये गेट पे दो हाथियों का सूंड लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये कोई पार्क है या कुछ है, कोयल की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा नज़ारा, यहाँ तो पैदल चलने में मज़ा आ रहा है। एकदम शांत वातावरण और ऊपर से कोयल की आवाज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एहसास। अगर आप वीडियो में कोयल की आवाज़ सुन पा रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी रिकॉर्डिंग अच्छे से कर लूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को वीडियो को लाइक करें, एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा तो हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा वीडियो बनाने में। चलिए आश्रम पहुंच के आपको आश्रम का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ आगे आने पर एक नदी मिल पड़ी है, हमें यह ब्रिज पार करना है। देखिए नदी है, ये वडराई गांव की नदी है, एकदम क्लीन पानी। दोस्तों अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, सामने श्री परमहंस आश्रम का बोर्ड दिख रहा है, बस हम लगभग पहुंच ही गए हैं। बस हम यहां से अब लेप मारेंगे और आश्रम में एंट्री करेंगे। आश्रम में एंट्री करके हम आपको आश्रम की सारी चीज़ें दिखाते हैं। वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करें। हम आ गए हैं स्वामी जी के आश्रम में, देख सकते हैं बिल्कुल समुद्र किनारे बसा हुआ आश्रम। एक बार आपको जरूर आना चाहिए यहाँ पे। कोई भजन चल रहा है अभी, चलिए आपको दिखाएंगे अभी। दोस्तों यहाँ पर मैंने वीडियो में बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं डाला है, क्योंकि आश्रम में यह जो भजन हो रहा है यह काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस भजन का आनंद आप लोग भी उठाएं।
यहाँ पर दोस्तों आश्रम के लोगों द्वारा यहाँ पे साग सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं ऑर्गेनिक तरीके से। यहाँ देखिए, यहाँ पे शायद भिंडी के पेड़ लगे हुए हैं अंदर, काफ़ी अच्छी तरह संचय किया गया है, हरियाली चारों तरफ हरियाली। एक बार आप अवश्य आएँ। दोस्तों आपको बता दें, जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर स्वामी जी नहीं थे। स्वामी जी फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश के छत्तीसगढ़ आश्रम में हैं। मैं लास्ट टाइम ही गया था, उनके दर्शन प्राप्त हुए थे मुझे, बट यहाँ भी उनके शिष्यों द्वारा आश्रम को काफ़ी अच्छी तरह संचालित किया जा रहा है। यहाँ पर सभी लोग आके आश्रम में काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा खाना बनाने में मदद कर रहे हैं। बस इसे ही तो कहते हैं गुरु की सेवा। यहाँ पर आने पर कोई रोक टोक नहीं है। ये जितने आपको सामने दिख रहे हैं काम करते हुए, ये सब भक्तगण हैं जो स्वेच्छा से आश्रम में अपनी सेवा दे रहे हैं। दोस्तों यह आश्रम का रसोई घर है, यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर जो भोजन बनता है वह भक्तों द्वारा ही बनाया जाता है और भक्तों में वितरित किया जाता है। यहाँ पर पंगत में बिठाकर खाना खिलाया जाता है। स्वामी अलगनानंद जी महाराज द्वारा रचित यथार्थ गीता भी यहाँ पर भक्तों में वितरित की जाती है। दोस्तों सामने यह जो आप मंदिर देख रहे हैं, यह मंदिर स्वामी परमहंस जी का है। स्वामी परमहंस जी स्वामी अलगड़ानंद महाराज के गुरु थे। यहाँ पर उनका मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर आने पर सर्वप्रथम सर्वभक्त यहाँ पे आकर अपना शीश झुकाते हैं। तो दोस्तों आप भी स्वामी परमहंस जी के दर्शन का लाभ उठाएं। दोस्तों यहाँ पर जितने भी वृक्ष हैं सभी फलों से लदे हुए हैं, परंतु कोई भी भक्त बिना अनुमति के यहाँ फल नहीं तोड़ता। हाँ, अगर फल नीचे गिरा हुआ है तो उसे कोई भी भक्त उठा के ग्रहण कर सकता है। देखिए, आपको शायद दिखाई देगा, वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि सारे वृक्ष आम से फलों से लदे हुए हैं और ये काफ़ी नज़दीक तक हैं। आप हाथ उठाकर भी इन्हें पा सकते हैं, परंतु कोई भी भक्त इन्हें तोड़ता नहीं है। ये देखिए, दोस्तों यहाँ पे आने के बाद ना बड़ा सुकून महसूस हो रहा है। यहाँ पे आने के बाद भजन चल रहा है आश्रम में, कंटिन्यू एक भजन चल रहा है जिसे सुनने से मन बड़ा शांत लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है भजन ये। अब देखते हैं सीढ़ी कहीं मिलती है यहाँ पे तो मैं भी ले लेता हूँ, कि घर में अगर ये भजन चलेगा तो काफ़ी अच्छा माहौल होगा। आप लोग शायद वीडियो में सुन पा रहे हैं भजन को, बाकी का यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। एक बार परिवार सहित आप जरूर आइए यहाँ पे, बहुत ही अच्छा आश्रम परमहंस स्वामी का, बाबा अलगड़ानंद महाराज का, एक बार आपको आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पर बहुत से सेवक यहाँ पर रहकर आश्रम की सेवा करते हैं और बहुत से भक्त भी यहाँ पे आए हैं जो मंदिर परिसर में सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं आश्रम को। अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। यहाँ पर आने के लिए आपको आप ट्राई कीजिए कि आप बाय ट्रेन ही आइए, क्योंकि बाय रोड ये हाईवे से बहुत दूर है,
आप बाय ट्रेन ही आइए। बाय ट्रेन से आपको आना है पहले पालघर, पालघर से आपको टमटम या ऑटो लेनी है। अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आप वहाँ से शेयरिंग ऑटो बुक कर सकते हैं, जो लगभग 150 रुपये लेते हैं यहाँ तक पहुँचाने का। अगर आप शेयरिंग पे अकेले या एक दो जन आ रहे हैं टमटम से तो 20 रुपीज़ भाड़ा है, और ये आपको वडराई गांव में छोड़ेंगे। दोस्तों, यह वह स्थान है जहाँ स्वामी जी बैठकर भजन करते हैं और लोगों को ज्ञान देते हैं। यहाँ पर हर दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे हुए हैं और उसका अर्थ भी समझाया गया है लिखकर। पालघर में एक उम्दा आश्रम स्वामी परमहंस जी का, यहाँ पर सब्जियों की खेती भी की जा रही है। यहाँ पे आई थिंक लौकी लगाई गई है। अब शाम का समय हो चला है। यहाँ पर जो सेवक हैं वह पौधों को, पेड़ों को पानी दे रहे हैं जिससे ये हरे भरे रहें। ये प्रवेश द्वार है सामने आश्रम का। यह जो कुटिया आप देख रहे हो सामने, यहाँ पर स्वामी जी विश्राम करते हैं। यह देखिए काफ़ी अच्छे फूल, भिन्न भिन्न तरह के पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं मंदिर परिषद द्वारा। आश्रम में आपको एक बार आना चाहिए, अपने बच्चों को तो ज़रूर लाना चाहिए। दोस्तों, मैं अभी आश्रम के गेट पर खड़ा हूँ। यह सामने समुद्र का नज़ारा, काफ़ी ठंडी हवा बह रही है। यहाँ पर बैठने का भी उत्तम सुविधा किया गया है। अगर आप अपने परिवार को लेकर किसी भी समुद्र के बीच पर जाते हैं, उससे अच्छा है कि आप अपने परिवार, अपने बच्चों को लेकर शिव परमहंस आश्रम आइए। यहाँ पर उनका मन भी लगेगा और संतों के साथ कुछ समय बिताने पर उनका आचरण भी अच्छा हो जाएगा और उन्हें सीखने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी। दोस्तों, अगर आप वीडियो के साथ अभी भी बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने साधन से आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप टमटम या ऑटो से आ रहे हो, शेयर रिक्शे से आ रहे हो, तो आप वडराई से उतर कर पैदल ही आएँ। पैदल आने से फ़ायदा यह है कि यहाँ पर जो गाँव है, जो पेड़ों की छाया है, उसका आनंद लेंगे आप, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगर आप महीना भर काम कर रहे हैं और महीने में एक बार ऐसी जगह पर घूमेंगे ना, मन आपका एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा, बहुत अच्छा फील होगा। परिवार को लेकर आइए, रास्ता भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, एक बार ज़रूर आइए आप।